Hey friends, marhaba. I am your Samira Aziz, and your Samira Aziz is here again with you for you in your own show, Smile with Samira Aziz. So friends, be ready to flaunt your smile with lots of positiveness and happiness. Support your smile. Peace. Friends, आज हमारे साथ कौन है? बताऊंगी, definitely कुछ छुपाऊंगी थोड़ी. जी, आज हमारे साथ हैं actress, model, singer, very talented. रियांका चंदा. चलिए आए देखते हैं कि वो आपसे आज क्या कहना चाहती हैं. लेट्स गो. छोटी छोटी खुशियां जब आसानी से मिल जाए तो बड़े ख्वाबों की उम्मीद क्यों करें? हाय हाय रियांका. Hi, how are you? How are you? You look so pretty. Not as much as you. No, you are definitely. Kitna acha mauka hai, aaj Women Day hai and there are two women. So, yeah. So, sorry, I got a little late because this net, I don't know what's happening these days. No problem. Aaj Mother's Day hai. Women Day nahi, Mother's Day hai. Let me correct myself. Aaj Mother's Day hai and the women, the aate. जो है ना, राइट. आई थिंक वी शुड विश ऑल ऑफ देम हैप्पी मदर्स डे गाइस टू ऑल ऑफ यू. मदर्स के बारे में जो है, हम ये कहते हैं कि दुनिया इतनी अलग हो गई है. हमने मदर्स को एज अ मीडिया, मुझे मालूम है कि हमने मदर्स को बड़ा रोल मॉडल बनाकर हमेशा रखा है, लेकिन आज की दुनिया में कुछ मदर्स भी इररिस्पॉन्सिबल होती हैं. तो मेरी ग्रीटिंग्स तो यही थी कि हैप्पी मदर्स डे और सब बच्चों को बहुत रिस्पॉन्सिबल और अच्छी माएं मिले और माओं को भी अच्छे और रिस्पॉन्सिबल बच्चे मिले. आप क्या कहती हैं इस बारे में? क्योंकि मॉम हमारे लिए इतना ज्यादा करती है कि हम सोचते हैं कि हाँ बस करने दो और उस चीज को हम वैल्यू नहीं करते हैं. बट एक दिन अगर मॉम कहीं बाहर चली जाती है तो हमें लगता है कि ओके, अब तो लाइफ रुक गई है, ये कैसे करे, वो कैसे करे. तब रियलाइज होता है कि मॉम इज सो इम्पोर्टेंट, नॉट बिकॉज शी डज एवरीथिंग फॉर अस एंड शी गिव्स अस एवरीथिंग इन द हैंड, लेकिन बिकॉज वो हमारे लिए मतलब हर चीज कर देती है बिना जताए. सो आई थिंक हम सबको उस चीज को वैल्यू करना चाहिए और Definitely करना चाहिए. ऐसा ही है. मैंने दूसरी तरह की भी मॉम्स देखी हैं जो मतलब मुझे कभी कभार लगता है कि कयामत करीब आने वाली, यू नो, कैसे कहते हैं कि मॉम्स बदल गई हैं, मदरहुड की फीलिंग्स जो है वो चेंज हो गई हैं. और कहते हैं साइंटिफिकली कि जिन औरतों में मैग्नीशियम की कमी होती है तो वो उनमें मदरहुड नहीं होती. आई डोंट नो. ओके, सो तो लेडीज बहुत सारा मैग्नीशियम लें. I don't know, it's funny, but you know, जो मैंने रिसर्च पढ़ी थी उन्होंने कुछ उसके वो बताया था कि उनमें एहसास नहीं होता है being a mother, ऐसा भी रहता है. और इस तरह के वाकयात हम सुनते हैं, you know, बच्चे को पैदा होते ही जो है ना डाल दिया, सड़क पे डाल दिया. Right. In my childhood, I see, you know, एक बच्चा था वो कूड़े में पड़ा हुआ था और उसको कुत्ते नोच रहे थे and he was died. वो शायद उस टाइम एंड बींग अ चाइल्ड, वो मेरे अभी तक मुझे वो बच्चा याद है. I can imagine that sight. I mean, it's too much. Yeah, ये भी होता है दुनिया में. और रियांका, हमें बताइए आपके एक्टिंग का जो सफर है, काफी सारा काम किया है आपने. I was watching your profile and let us know about your work and how you started your journey. How I started? Okay. From the time I was a kid, I always wanted to be an actor. That was for sure. तो अच्छा, इंग्लिश में बोल सकता है ना यहाँ पे, ऐसे कुछ पर्टिकुलर ऑडियंस ही ना. ओके, सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर एंड आई वाज इन स्कूल. जब एक दिन मैं डांस कंपटीशन के बाद गई थी एक जहाँ पे क्लोथ्स मिलता है कैसे रेंट पर, तो वहां मैं गई और वहां से बस निकल रही थी आफ्टर रिटर्न द क्लोथ्स एंड समवन जस्ट स्पॉटेड मी देयर. And this is in school I'm talking about. So they were like, you know, that lady was a big designer who spotted me. And unhone, I think, Rekha ji ke kapde design ke the utsav mein. To unhone kaha, us ladki ko dekhiye, unse baat karte hai.
तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि हमारा एक शो आ रहा है, उसमें एक प्रिंसेस का रोल है एंड आई थिंक यू रियली फिट फॉर दिस. सो आई वाज लाइक ओके, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू डू इट, बट मैंने सोचा नहीं था कि कभी ऐसे मुझे मौका मिलेगा. तो मैंने कहा ओके, आई टॉक टू माई मॉम एंड अबाउट इट एंड आई लेट यू नो. सो मैंने नंबर दिया उनको और फिर जब मैं घर घर गई, उन्होंने मॉम से कॉन्टेक्ट किया एंड आई वेंट टू माउंट आबू टू शूट फॉर इट. एंड इट वॉज अ वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस बिकॉज फर्स्ट टाइम पे ही वही से शुरुआत हो गई थी. आई थिंक माइथो शोज, जो भगवान के शोज होते हैं, जो गॉड वाले शोज होते हैं जहाँ पे फेरीज एंड प्रिंसेस एंड ऑल ऑफ दैट. सो इट्स बीन फन. एंड उसके बाद आफ्टर माई कॉलेज स्टडीज कम्प्लीटेड, आई did a few shows. One is of course Devo Ke Dev Mahadev. I played Sati's sister Khyati, and yes, but that is when Sati came back in the second week because abhi koi aur usme hai filhal, kyunki log mujhe question karenge aapne to bola aap Khyati ka role kar rahe ho. I had replaced the girl who had done Khyati's role, so that's how it was. And another show which I have done, one of the biggest things, is a show that is on Z5. It was telecasted, as you know, all over UAE, and it was a super hit there. Mm-hmm. So, and it's going. Ads bhi main karti rehti hu. So your first experience, when aap kitne saal ki thi? Kya age thi aapki us time pe? 14 years, I think. So young. Okay. Yeah, but I always could look थोड़ा सा, मतलब एक maturity होती है. जैसे princess का जो role किया था, वो around 18 years का होगा मुझे लगता है उस time पर. उन्होंने मुझे करा लिया था बिकॉज आई वॉज अ वेरी शाई गर्ल. मुझे ऐसे लगता था ओके कैमरा टू बी नर्वस, ऊपर से उसमें डांस सिक्वेंस भी था लाइक क्लासिकल कैसे करेंगे, बट थे मास्टर जी अच्छे थे. द डायरेक्टर वॉज देवांग पटेल. ही इज, इफ यू नो, ही राइट्स कॉमेडी सॉन्ग्स, मेरी मर्जी जैसे गाने अगर आपने सुने होंगे बॉलीवुड के, बहुत फेमस. तो वो थे, तो वो बहुत चिल्ड आउट थे और वो मतलब कभी ऐसे डांटते भी नहीं थे. और दो आई वॉज नर्वस, आई वॉज शाय, बट दे टुक आउट द वर्क रियली स्मूथली फ्रॉम मी. गुड. सो अभी आगे का क्या है, कौन सा काम इस वक्त चल रहा था जो लॉकडाउन की वजह से रुक गया? सो एक काम है जिसकी डिटेल्स मैं आपको बता नहीं सकती. आई थिंक इन जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएगा उसके एक दो महीने में मैं आपको बता दूंगी सारी चीजें, बिकॉज आई वुड वांट टू टेल यू ऑल ऑफ द वर्क दैट आई एम डूइंग. एंड आई नो दैट यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स देयर, दैट्स व्हाट ब्रेन हैज टोल्ड मी. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू वर्क विद यू. Yeah, sure. You know, यहाँ पर तो बड़ी चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर थी और उस टाइम पे हमने सर्वाइव किया, ग्रूम किया, एंड नाउ तो अब हमारा टाइम आया है, तो वी आर ओनली वेटिंग ये कोरोना वायरस जो है ना खत्म हो. ऑफ कोर्स. या अदरवाइज मेरी भी एक फिल्म की शूटिंग यहाँ ऑलरेडी थी, बट आई गॉट अ चांस. मैंने अपना स्क्रीन प्ले और बेहतर कर लिया बिकॉज़ आई एम अ राइटर आल्सो एंड डायरेक्टर आल्सो. दैट्स नाइस, आई एम हैप्पी फॉर दैट. आई थिंक लॉकडाउन में हमें बहुत सारी चीजें करने को भी मिल रही है एक तरह से, दो इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट थिंग. या एंड आई लव योर स्माइल. या थैंक यू. इसीलिए शो में नाउ हमने स्माइलिंग एंड योर स्माइल इज आल्सो वेरी 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 नाइस एंड पॉजिटिव. मॉडलिंग की तरफ भी आपने कभी सोचा? यू आर इंटरेस्टेड फॉर मॉडलिंग एज वेल? Yes, I do a lot of ads in Mumbai here, and other than that, I've done a lot of print for like Sia Jewelry, then Kisna Jewelry. Jewelry se leke makeup brands ke liye maine kaam kiya hai. So modeling ka to mujhe bahut zyada wo hai, matlab because there you're like just posing like a queen, you know, no hassles, and every time you get to wear different clothes, different get-up. So I enjoy all of that. And jewelry, आप पे लगता भी होगा पहला अभी आपको जो मिला वो it's like a princess in the jewelry. Yeah, yeah. कोई ऐसा role which you want to do, कुछ अलग से कुछ आप करना चाहते हो, कुछ ऐसा role जो आप अभी जो आना चाहिए जिसमें? जैसे कि टीवी पर जो हमेशा मुझे रोल्स मिले हैं, they've always been
मतलब ज्यादातर रोल जो मुझे मिले वो तो आप जानते ही है, जैसे मैंने बताया माई थ्रू, जिसमें प्रिंसेस और फेरी ऐसे टाइप के रोल्स रहे। बट जैसे मुझे नेगेटिव टाइप के रोल्स करने को मिलता है ना, वो मेरे लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है, बिकॉज वहां पर ऐसे होता है ना, ये जो चुलबुलापन है मुझे एकदम ऐसे उसे मतलब एक तरह से ठहराव पर लाना पड़ता है अपने आप को, एंड प्ले विद दोज आईज, यू नो, यू जस्ट से एंड यू हैव टू किल विद द आई। Yeah, can you hear? Yeah, please continue. So I said I would Yeah, love to do a please negative continue, role. जी. I would love to do a negative role because I love things which are not very easy. क्योंकि वहां आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आपको जाना पड़ता है। जैसे आई नो कि गॉडेस वाले रोल में भी आपको अपने आप को पॉइज में रखना पड़ता है एंड बी कंपोज, बट इन नेगेटिव इट इज नॉट यू नो, यू आर जस्ट ट्राइंग टू किल समवन विद योर आईज, और मे बी यू जस्ट से समथिंग दैट इज जस्ट गोइंग टू हर्ट समबडी, सो दैट्स नॉट इजी फॉर मी टू डू, सो आई लव डूइंग समथिंग ऑफ दैट काइंड ऐसे। हाँ, नेगेटिव रोल्स में आपको थोड़ा परफॉर्म करने का मौका मिलता है, एंड आप वो कर रहे होते हो जब आप नहीं हो, या नोबडी कैन थिंक कि वो एक अगर कोई नेगेटिव बंदा है भी तो वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता कि वो नेगेटिव है. तो जब जब वो ये रोल कर रहा होता है एज एन एक्टर, तो उसके दिमाग में, उसकी साइकोलॉजी में एक चीज होती है कि दिस इज समथिंग विच वी आर नॉट, ये हमारी, या हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, यू नो, एवरीबॉडी ये हम प्ले कर रहे हैं. तो आई थिंक एक्टिंग आपको बहुत कुछ सिखाती है, एंड नेगेटिव रोल्स आर बहुत आल्सो कुछ, उसकी अपनी बहुत एक कुछ, अपना एक जॉय ट्रू। है. और अभी आगे जो है, जो आपने प्रोजेक्ट्स अभी किए हैं, आपको लगता है आप फिल्मों में ज्यादा अपने आप को फिट पाती हैं या ड्रामों में, सीरियल्स में? यस, बिकॉज मैंने इतने सालों तक अपने आप को सिर्फ टीवी के लिए ही फिक्स रखा था, और मैं सिर्फ एज और टीवी पर ही फोकस करती थी, एंड अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे हेड ऑन करना चाहिए टुवर्ड्स वेब सीरीज, टुवर्ड्स सिनेमा, बिकॉज द काइंड ऑफ वर्क दैट आई एम सीइंग, आई हैव नॉट बीन अ पर्सन हु वॉचेज अ लॉट ऑफ कंटेंट, दो एज एन एक्टर आई मस्ट। मैंने जब देखा अभी लॉकडाउन के टाइम पर, मैंने कहा व्हाट इज हैपनिंग, मतलब द काइंड ऑफ एक्टिंग, द काइंड ऑफ लेवल दे आर वर्किंग एट, इट्स अमेजिंग, आई वुड लव टू डू समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। हाँ, कोई फिल्म वगैरह का कुछ, यू आर इंटरेस्टेड फॉर दैट? या बट उसमें ये होता है कि जब आप किसी कोई सीरियल साइन कर लेते हो ना, तो यू आर बाउंड फॉर मे बी 1 ईयर, 2 ईयर, इस तरह के राइट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं राइट ना, राइट तो वो इश्यूज रहते हैं. सो ये सो कोप करना, हाँ ये इसको इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, देन ये रहता है. या बट आई थिंक अगर उन्हें पता चलेगा कि आपको एक बेहतर मौका मिल रहा है, तो वो आपको कभी कभी लेट गो करने देते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द कंपैटिबिलिटी, और आई वुड से द काइंड ऑफ ट्यूनिंग दैट यू हैव बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द आर्टिस्ट। देर आर टाइम्स वेन आई हैव हैड टू डू एन एड शूट ऑन द सेम डे एज माई शूट फॉर एग्जाम्पल, तो उन्होंने मुझे अपना काम फटाफट फिनिश करके जाने दिया है ऐसे। तो अगर आपको एक अच्छी प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने मिलता है, कुछ चीजें एडजस्ट की जा सकती है, जैसे आप 10 डेज मूवी शूटिंग करोगे, 20 दिन आप टीवी शूट करोगे, तो वो भी पॉसिबल है। एंड यू नो ऑडियंस भी बहुत अच्छी, दे अंडरस्टैंड. अगर मैंने देखा है कि कोई एक्ट्रेस अगर रिप्लेस हुई है, तो दे अंडरस्टैंड, हाँ इसकी फिल्म आ रही है, एंड ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर दिया. वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, उन्हें लगता है ओके, पहले 2 दिन वो थोड़े से कहते हैं नहीं नहीं ये सही नहीं लग रही है इस रोल में, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है ऐसे, बट लेटर दे लाइक दे अब्सॉर्ब यू, बिकॉज आई इट्स हैपेंड विथ मी, आई हैव रिप्लेस समवन अर्लियर, एंड फर्स्ट मुझे 2-3 दिन तक इतना ग्रेट रिस्पॉन्स नहीं मिला था, और मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा था, बिकॉज जो लड़की ने मेरे पहले वो रोल किया था उसने शी वॉज अ फेवरेट, सो इट वॉज गेटिंग सो डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज आई यूज टू बी मोर देन सेंसिटिव एट दैट टाइम, सो फिर धीरे धीरे जब मैं करने लगी, फिर ऑडियंस का धीरे धीरे अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा, तो तब जाके फिर एंड देन दे स्टार्टेड लाइकिंग मी ऑफ कोर्स।
डेफिनेटली वो तो फिर एक्सेप्ट कर ही लेते हैं शुरू yes. में, थोड़ा सा होता है क्योंकि लोग वो उसी अंदाज में उसी उसमें देखते हैं, थोड़ी सी इरिटेशन होती है, बट आई थिंक नाउ द इंडियन ऑडियंस दे आर यूज्ड टू ऑफ दैट. बाहर के जो सीरियल्स हैं किसी दूसरे कंट्री के, फॉरेन सीरियल्स हैं, उनके बारे में क्या है, अगर किसी अलग जबान में डायलॉग याद करने पड़े, हाउ गुड यू आर एट इट? So, if you know South Indian language, जैसे I don't know about foreign languages, but यहाँ India की अलग अलग languages मुझे on the spot काफी सारे ad के इस पर मैं गई हूँ और उन्होंने मुझे दिए हैं scripts. मैंने कभी कभी ज्यादा time लगता है, कभी कम time लगता है, but I catch hold of it. Like, I just have to know what kind of एक होता है tonality जो होती है वहाँ की बात करने की, that is something you have to get a hang of. So I tell them, आप मुझे बोलकर बताओ, तो दो तीन बार उनसे सुनती हूँ तो पता चलता है अच्छा ऐसे बात करते हैं, अच्छा ऐसे बात करते हैं, तो फिर वो डायलॉग्स, और मेरी आदत है थोड़ा सा उसमें से आइडिया ले लेती हूँ, जैसे कोई वर्ड के बाद ऐसे मैं उसकी अपनी मीनिंग बना लेती हूँ मन में और फिर वो याद हो जाता है. डायलॉग याद करने में बहुत बुरी हूँ ना, इसलिए आप कैसे डायलॉग याद करते हो? I always say, मैं थिएटर में ना हाथ में लिख के चीटिंग करती थी, सामने सामने लोग बैठे थे. My God. Okay, that's मुझे ऑडियंस ने पकड़ा था एक लड़की ने कि आप अपने हाथ में लिख के लाती हो ना. Oh. So you have been doing theater as well? Yeah, that's Mumbai amazing. में ना during my because मैं film making पढ़ने गई थी तो उन्होंने मुझे थिएटर में डाल दिया था. Dialogue learning is not very difficult. It's about slowly absorbing it. I used to have a tough time earlier. Yeah, I think you'll do it. आप जो है जैसे एट अ टाइम आई थिंक आप दो और तीन प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, तो उस प्रोजेक्ट के डायलॉग्स आपने याद किए इस प्रोजेक्ट के, हाउ यू एक ही दिन में एक तरह से बदलना, हाउ इट इज पॉसिबल? हाँ, क्योंकि आप वहाँ पे कोई और कैरेक्टर कर रहे हो और यहाँ पे अचानक अलग सा हो जाता है. आई थिंक बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट एक एक्टर के लिए होता है टू बी इन सिंक विथ योर कैरेक्टर, यू नो, बिकॉज मान लीजिए एक सेट पर मैं पॉजिटिव रोल कर रही हूँ, एक सेट पर नेगेटिव. मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि समझने में इजी हो जाए. तो वहां पर बार बार जब आपने एक ही स्क्रिप्ट को पढ़ा होता है, वो आपके अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है दैट कैरेक्टर, यू नो, यू स्टार्ट थिंकिंग दैट ओके दिस इज मी फॉर दैट टाइम. फॉर एग्जाम्पल आपकी बहन का एक्सीडेंट हो गया, तो उस टाइम पे आपको सच में बुरा लगेगा अगर आपने वो कैरेक्टर को अब्सॉर्ब किया है. यू वोंट हैव टू टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड क्राइंग ऑल्सो एट दैट टाइम. सो हाउ डू आई मैनेज बिटवीन द डायलॉग्स इज आई थिंक दिस इज वन टेक्निक दैट कुड हेल्प मी थ्रू दैट. बिकॉज वहां पर आप गए उस टाइम पे आपने याद किया ओके आप ये वाली अच्छी वाली सिस्टर हो, यहाँ पर आप आ गए अच्छा आपने याद कर लिया कि ओके आप वो वाली विलन थी ऐसे. एंड हाँ, क्योंकि ऑफ कोर्स लर्निंग द डायलॉग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आई वोंट से दैट नहीं नहीं ऐसे. कुछ कुछ लोग होते हैं जो बस ऐसे चलते फिरते ले लेते हैं, चलते हैं ओके रेडी, वैसा नहीं है, मुझे मेहनत करनी पड़ती है डेफिनेटली. इससे मैं पहले ही स्क्रिप्ट अपनी मंगा लेती हूँ, दैट आई डू. आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है बीइंग एन एक्टर? किसी ने आपको थिएटर वेटर में डाला? नो. मुझे बहुत मन है कि मैं थिएटर करूँ और I just spoke to my friend recently about it, but I think because of the kind of work that we do here, giving that time to theater is not an easy task because that's a lot of dedication and then you need to give in yourself completely there. So at this point, I'm more into the commercial front, so I would be with it. इंडिया में करते ना, हर एक को लेके ना स्टेज पे डाल देते, छोड़ देते थिएटर में. उठा गया थिएटर में डाल देते right, स्क्रिप्ट right. डायलॉग याद करो. तो ये चीज है. सो लेट मी आस्क यू कि आप अपने आप को आगे आज से 3 साल के बाद कहाँ देखती हैं? इफ यू थिंक अबाउट योर प्लानिंग एंड कुछ प्लानिंग व्लानिंग की है आगे की? So you're saying purely work-wise or in general also? Work-wise. Okay. And of course, insan shaadi-wadi bhi karne ka sochta hai. Aaj to Kareena Kapoor jaise
यू नो 21st सेंचुरी की वुमेन जो होती yeah, है वो yeah. शादी भी करती है बच्चे भी देते हैं एंड देन दे आर बैक एंड एज अ हीरोइन एंड दे डिजर्व इट एज वेल. सो व्हाट इज योर प्लान? आई एम प्लानिंग, इट मे साउंड अ लिटिल बिग बट आई थिंक इन In fact, 3 years bhi nahi, 1 year mein I should be doing some good series or a movie at least. Some good, at least second lead tak. Kyunki mujhe pata hai main mehnat karne wali hu. Aur jab aap mehnat karte ho, to you get it. Yeah. You definitely get it. Yeah. Definitely get it, yeah. Hard work and a little bit of luck matters, of course. Yeah. So, yeah, I think, because maine wo genre kabhi, I never went to those people. Now I want to go to those people. कॉमेडी करना बहुत ज्यादा इजी नहीं है ऐसे मुझे लगता है बट आई वुड वॉन्ट टू डू इट बिकॉज दैट वुड बी फन लोगों को अगर आप हंसा पाओ तो दैट्स अ नाइस थिंग. Yeah. मुझे वो जो टिपिकल सती सावित्री टाइप के रोल्स होते हैं बहुत ही आइडियल बहू वाले रोल्स होते हैं वो सब तो मैं आराम से कर लेती हूँ मुझे उसमें कोई टेंशन नहीं होती है कि बेचारी ऐसे मतलब जिस पे दया आ जाए वो सारे रोल्स मैं आराम से कर लेती हूँ वो टेंशन नहीं है. Yeah. और अभी माइथो वाले शोज की भी आदत हो गई है सो देयर इज नो हार्म. But what about that, you know, every time you have to do a lot of makeup, jewelry and all this, doesn't it irritates you? So, एक टाइम था जैसे कि मैंने बताया आपको जब वो स्कूल में किया था काम तब बहुत मजा आया था. उसके बाद जब मैंने एक्चुअली कॉलेज के बाद स्टार्ट किया मुझे माइथो रोल्स ही मिलने लगे थे और इनिशियली ऐसे मिलता था कि दुल्हन वाला रोल है ओके बहुत सारा मेकअप और ये बहुत खुशी होती थी फिर फेरी बनी ओके बहुत खुशी होती. लेकिन एक टाइम आया मैंने कहा अब मुझे माइथो नहीं होगा बिकॉज एंड आई एक्चुअली सेड अ नो टू अ शो एज आई टोल्ड यू मैंने महादेव में ख्याति का रोल किया है. मैंने महादेव को पहले मना किया था यू वोंट बिलीव लाइक 1 year पहले टेलीकास्ट के. So, मैंने कहा था प्लीज आई कांट डू माइथो आई जस्ट कांट डू माइथो बिकॉज यू वेयर दोज विग्स फ्रॉम हियर they're like those super long hair wigs and they're tucked in here on your scalp. उसके बाद बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो वो पूरे ज्वेलरी है ना वो निकाल देते हैं हर शॉट के बाद जब वो वापस आते हैं हर सीन के बाद सॉरी. लेकिन मेरी आदत है मैं वो पहने रहती हूँ मुझे नहीं पसंद है कि बार बार आप आके मुझे छेड़ो फिर उतारो फिर लगाओ ऐसे करो तो दैट बिकम्स मोर टीडियस. लेकिन It is hard work, but because it looks good on screen, so you have to do it. And I think as an actor, nothing comes easy. That is for sure. अगर आपको रोना भी आप जानते हो, उसमें कितनी effort आपके अंदर BP low हो जाता है रोते रोते. तो whether it is makeup without makeup, it is efforts. आप glycerin use करते हो? You need glycerin. I do. Uh-huh. Because there are scenes where I have cried without glycerin at all, but there are times jab, you know, aankhe wo ho jati hai, dry. Like you're feeling it inside, but your eyes are not showing up. So that is the time when you do need glycerin for sure. Aur phir itni dafa aap agar retake de rahe ho. Yeah. Wo task ho jata hai. Tabhi jo hamara Z5 wala series hai, उसके डायरेक्टर थे ही यूज्ड टू नॉट लेट अस टेक ग्लिसरीन एट ऑल विल रियल रो ऐसे तो नहीं चलेगा. तो सारे एक्टर्स अगर उस टाइम पर उन्होंने दे हैव नॉट क्राइड ऑल ऑफ देम देन इट विल गो फॉर अ रीटेक. वो डर से सब लोग बराबर रो लेते थे रीटेक वाली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सो आई थिंक दैट इज गुड. डोंट यू थिंक इंडियन सोप्स में सीरियल्स में बहुत ज्यादा रोते रुलाते हैं बहुत ज्यादा लड़कियों को रुलाते हैं तो क्या इंडियन वाइफ्स जो होती हैं उनकी किस्मत में रोना ही है ट्रू लाइफ में भी रियल लाइफ में भी उनको रोना ही ऐसे बोल रहे हो? हाँ क्या वो रोती हैं ऐसे? I don't know, I'm from outside or you know मैं foreign observer. I think हाँ नहीं I don't think because times अभी बहुत चेंज हो गए यहाँ पे. I think टीवी में इसलिए ऐसे दिखाते because major जो ऑडियंस है वो from outside मोर ऑफ द रिमोट एरियाज की जो है उनको बहुत अच्छा लगता है ऐसे देखना रोना धोना. मतलब कहीं ना कहीं शायद वो कहते हैं कि हाँ बेचारी
वो लोग शायद ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। और अगर आप देख के टीआरपीज का जो वो आता है वो ज्यादातर आउट ऑफ बॉम्बे के एरिया से ज्यादा वो होता है कि वहां पे व्यूइंग हायर है ऐसे करके। तो बॉम्बे में तो आई डोंट थिंक, बट आई एम नॉट बीइंग पार्शियल अबाउट बॉम्बे, बट आप देखो एंड आई थिंक इवन मेट्रो सिटीज की अगर आप बात कर ले तो वुमेन आर चेंजिंग आई एम श्योर, बट जिस हिसाब का रोना धोना दिखाते हैं उतना ज्यादा तो आई डोंट थिंक, मतलब और इतना अत्याचार कोई नहीं सहता है फॉर आई श्योर। थिंक इस तरह से जो एक जनरेशन है, लड़कियां सोचेंगी नहीं नहीं हमने शादी नहीं करनी, कौन रोएगा, यू नो, एक देवी का ये मेंटाइटी है, वेरी इट्स लाइक लेट मी लाइक या ओके, रोने के लिए किसने शादी करनी है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है ना क्या नाम है, चेंज लाना चाहिए, हैप्पी वुमेन दिखानी चाहिए के, यस यस और इसका इम्पैक्ट हमें पता है, बिकॉज हमें ऑलवेज मीडिया में हम दिखाया जा रहा था, दिखाया जाता था कि हम सऊदी वुमेन आर वेरी यू नो अनफॉर्चुनेट वुमेन, और ज़ाहिर है हमारे पास उतने राइट्स नहीं थे जितने आपके पास इंडिया में उस टाइम पे भी इतने राइट्स थे और सब कुछ। और जब हम बाहर जाते थे हम देखते थे अच्छा ये वाली लेडीज ये भी कर लेती हैं, वो भी कर लेती हैं, बींग अ जर्नलिस्ट लाइक 20 years बैक, यू नो, बींग अलोन, यू आर सो एम्बैरेस्ड, यू नो, ऑल द मेन आर देयर एंड यू आर ओनली राइट वुमेन, सो मेनी थिंग्स। सो उस हिसाब से जो है ना हमें पोर्ट्रे भी किया जाता है, लेकिन जब हम लोग एज अ हैप्पी वुमेन सामने आए, हमें भी कुछ खुशियां मिली इधर इस सोसाइटी में, स्पेशली आफ्टर विजन 2030 हमारे लिए भी दुनिया स्टार्ट हुई, तो कुछ लोग ना हमें अच्छा दिखाना ही नहीं चाहते, हमें जो है ना वैसे ही रोता धोता दिखाना चाहते हैं, विच वी आर नॉट एनी मोर, यू नो। सो मुझे लगता है कि इससे जो है ना जो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो दुनिया वाले देख रहे हैं, उन पर इंडियन वुमेन का कुछ इम्पैक्ट रॉन्ग पड़ रहा है। इंडियन वुमेन आर वेरी हैप्पी वुमेन, लुक एट अस, यू नो, कंपेयर टू अस, हम लोग आपको बड़ा लकी समझते थे। आई वॉज ऑलवेज कमिंग टू इंडिया, आई वॉज सो हैप्पी, यू नो, एंड मैं हमेशा इंडियन वुमेन की हार्डवर्क देखती थी। नहीं बट आप सही कह रहे हो, आज के टाइम पे इतना कोई नहीं वो करता है, एंड थिंग्स हैव डेफिनेटली चेंज, सो दे शुड चेंज, दे शुड मूव टुवर्ड्स शोइंग वुमेन मोर इंडिपेंडेंट। इसलिए मैंने बोला ना वेब सीरीज में आप देखो, मतलब वुमेन की तो मतलब दे हैव अ ड्रास्टिक इम्पैक्ट, अगर आप टीवी और वेब सीरीज को ऐसे रखो साइड बाय साइड, इट्स लाइक वुमेन क्राइंग क्राइंग क्राइंग, वुमेन एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे वाला इम्पैक्ट है वहां पे। सो दैट्स द रीजन आई गॉट मोर अट्रैक्टेड टू इट, बिकॉज it's something else. So, आपने कुछ वेब सीरीज की आगे करने वाली हैं? वेब सीरीज मैंने की नहीं है, वो जो हमारा पाइनाइट टीवी शो था उसी को अभी Z5 पे उन्होंने डाला है एज अ सीरीज। आई वॉन्ट टू डू अ सीरीज फॉर श्योर, एज आई टोल्ड यू, सो आई डन मेजर ऑफ हिंदी टीवी शोज, आई डन अ लॉट ऑफ एड्स, आई डन अ लॉट ऑफ मॉडलिंग, एल्बम सॉन्ग की बात चल रही है, सो वो एक होपफुली हो जाएगा, और एक जो प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊंगी जल्दी वो बस, बट यस वेब सीरीज आई एम एक्साइटेड। हाउ यू सी द सऊदी वुमेन, आपको सऊदी वुमेन कैसी लगती है, मेरे बारे में किस तरह से सोचा हुआ था आपने, यू नो, लेट सो द फर्स्ट थिंग दैट आई फाइंड हर वेरी प्रिटी, बिकॉज I don't know, there's something about the glow, there's something about the kind of features that they have, the kind of skin. So वो तो है ही, and मुझे लगता है कि वो बहुत liberal होते हैं, ऐसे मुझे लगता है, because जबकि हमें impact वैसे हमेशा दिमाग पर नहीं रहा है, लेकिन when you look at them and all, you feel very liberal. That's what I feel. लोग जो है ना बस चाहते हैं कि इंसान को सांस लेने की आजादी हो, अपने आप अच्छा लिबरल नहीं को, है या लिबरल नहीं है, एंड दैट्स हाउ यू नो वी वांट टू बी यू नो विद आवर कल्चर, अपने ट्रेडिशंस के साथ, लेकिन एक एक जो एक मिडिल रहता है, हैं बहुत सारे लिबरल वुमेन भी हैं, मगर फिर सोसाइटी में जो मेजोरिटी है अब वो पसंद करी एक मिडिल वे, ताकि हम दुनिया के साथ चल सके, सो दैट इज अ थिंग। एंड यू वांट टू बी अ सिंगर एज, या टेल मी, ओके, बट व्हेन आई टू सी देम, मुझे ऐसे मे बी द बॉयज द वे दे कैरी देमसेल्व्स, यू नो, यू वुड इमेजिन देम एज बीइंग वेरी लिबरल, दैट्स व्हाई दैट काइंड ऑफ इंपैक्ट कम्स अप। हां, व्हाट आर यू सेइंग अबाउट अ सिंगर, आई वाज आस्किंग अबाउट, या यू आर एमिंग टू बी अ सिंगर और
something. So tell us about this. Yeah. So I decided to use this lockdown time as while I do my riyas and everything. Then as it gets over, I'll take up professional classes and I'll head on to मैंने एक फ्रेंड से बात की ही इज अ म्यूजिक डायरेक्टर कि हम एक सॉन्ग रिकॉर्ड करेंगे और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ही उस एल्बम में खुद ही मतलब काम करूंगी सो लेट्स सी वो क्या देखते हैं अब कैसे होता है आई ऑलवेज लव सिंगिंग तो वो तो है मैं सीख तो लूंगी वो मुझे पता आगे का देखते हैं Of course, if you are singing, you have to. अब जब आप अच्छे भी देखती हैं, and you are already, you know, an actress. So आपको अपने किसी और को तो लेना ही नहीं चाहिए. आपको फिर खुद ही आना चाहिए अपने song में. So yeah. Thank you. I have some मेरे पास कुछ rapid fire questions हैं आपके लिए. Okay. So let's see. Riyanka Chanda. Web series or TV series? Web series. Clear hai. Yeah. Okay. Singer or actress? Actress. Uh-huh. Okay. Scale of 1 to 10. How good are you at keeping secrets? Very much. 9 on 10. Uh-huh. Sometimes I would let go. Matlab bahut kam baar jab aise lagega ki kisi pe gussa aa jata to nahi aap bol dete but Otherwise, all my friends trust me. They come and tell me all their secrets, so I have it with me. uh-huh. First celebrity crush? Shah Rukh Khan. Uh-huh. Aap dawn or dusk? Subah subah jaldi uthte ho? I'm a late riser. I sleep late and I wake up late. Uh-huh. If you could travel back in time, what period would you go to? My school time because I think that was the best time I've had. मतलब आज ऐसे लगता है. Sorry, it's a rapid fire. Okay, go on. Yeah, you can, no problem. I can. Okay. School time में जब थे तब हमेशा ऐसे लगता था कि बस बड़े होना है और बस काम करना है. मुझे बहुत excitement थी कि मैं बड़ी होकर एक्टर बनूंगी. लेकिन अब ऐसे लगता है यार वो time ऐसे था जब आपको कोई परेशानी नहीं होती थी. आपको कुछ मतलब कुछ भी नहीं करना. You were just enjoying life so well, like everything having those, if you know, gola ice के वो होता है, and just enjoying. You know, I think that's the best time. School time never comes back. Place you most want to travel? Okay, Santorini, Greece. Because I love the pictures, what I see. Yeah. Uh-huh. Okay. And favorite junk food? Pizza. Uh-huh. And favorite childhood TV show? Do teen hai. Hum paanch usme se ek hai. Because mera bhi hai na kyunki wo shows aise the zuban sambhal ke aur एक और था अभी बीच में अब याद नहीं आया याद आते बताते हो ओके फेवरेट सीजन विंटर ऑफ कोर्स फाइन एंड फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर चॉकलेट ओके से समथिंग इन अरबिक If you could say something, I'll repeat it after you. Hey friends, marhaba. Marhaba is only one. Marhaba. Hey friends, marhaba. Yeah, I always start this show. अगर आप इसकी recording देखेंगे ना, तो मैं इसी तरह से ये show start कर रही होती हूँ. Okay. फिर वो edit हो जाते हैं ना, अभी वो जब वो YouTube पे upload होगा, you know. हाँ. Okay. So you will see this in the show. Marhaba. All right. Marhaba. Marhaba means welcome. Yeah. Yeah, yeah, I got that. Yeah. Do you believe in fate? Do you believe in fate? किस्मत पे आपको यकीन है? Fate, okay. हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा. Because yes, it matters. जैसे मैंने बोला था, hard work करना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी किस्मत की भी ज़रूरत होती है. तो I believe in fate also.
मेकअप और विदाउट मेकअप. दिस इज अ टफ वन फॉर मी बिकॉज देयर आर टाइम्स जब मुझे ऐसा लगता है कि बस बिल्कुल मेकअप नहीं चाहिए, और ऐसे एक टाइम होता है जब आई कीप डूइंग एंड देन माय फ्रेंड्स कीप कॉलिंग ओके आर यू रेडी ओके आर यू रेडी सो बोथ. If you wake up or कोई आपको बोले online आ जाओ बगैर मेकअप के, आ जाएंगी? हाँ मैं चली जाती हूँ. चले जाते हैं. फ्रेंड्स कॉल करते हैं. कंफर्टेबल? हाँ कोई टेंशन नहीं है. ओके. Who has it easier, like men or women? Who likes? आदमी या औरत कौन ज्यादा इजी होता है, लाइक यू नो आप किसके साथ ज्यादा इजी? मेन. या आई हैव मोर ऑफ मेन फ्रेंड्स, मेल फ्रेंड्स. गर्ल्स भी है लेकिन बॉयज बहुत, मतलब उनको ना जैसे लड़कियां थोड़ी थोड़ी बात का बुरा मान जाती है, किसी की फोटो गलत डाल दी आपने उनको बहुत बुरा लग जाता है. I've had such especially when you have actor friends, it's such a tough time. Like Priyanka, तूने सिर्फ अपने आप को देखा, तूने मेरी फोटो में रीजन बॉर्डर मैं बाजू में कैसे दिख रही हूँ उस टाइम पे आपने सोचा भी नहीं होता है. लेकिन बॉयज के साथ इट्स लाइक जस्ट फाइन एंड इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द पिक्चर्स इन जनरल, लाइक दे डोंट टेक एनीथिंग सो मच टू द हार्ट, यू नो दे जस्ट इजी गोइंग. दैट्स व्हाट आई फील. डू यू थिंक वुमेन सपोर्ट्स वुमेन? Do you think so? Not at all. Yeah. मुझे भी especially in the industry. नहीं industry में तो बिल्कुल बहुत difficult होता है ना, और दूसरे को grow करते हुए देखना especially इस industry में थोड़ा सा difficult हो जाता है. तो ऐसे रहता है जैसे आप किसी एक serial में काम कर रहे हो, बहुत सारी actresses हैं, बाज दफा दो तीन चार heroines भी type की एक साथ. Of course heroine एक ही होती है, but there are other support. Yeah. कैसे होते हैं ये बिहाइंड द सीन्स, आपस में किस तरह ट्रीट करती हैं? सो आई एम गिविंग एन ऑनेस्ट आंसर. आई हैव मेड वेरी गुड फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री, नो डाउट. सम ऑफ देम आर जेन्युइनली गुड हार्टेड पीपल हु हैव दैट काइंड ऑफ सिस्टर रैपो विद मी. बट देन देयर इज सम एक्ट्रेसेस who in front of you will be like, hi baby, how are you? Oh my god, aise lagega ki sara pyar inhi se aa raha hai. Lekin at the end of the day, when you see a lot of things, you know, like reactions, actions, aap jab notice karte tab aapko pata chalta it's not so real. Matlab, that's all fake. And I don't like fake people. I believe if you want to convey your love, also convey that much that you can, what's real. You don't have to overdo it, वैसे. So as you said, behind the scenes and all, it's हाँ कुछ कुछ shows है जिसमें हमने ऐसे friends बनाए जो कि family बन गए हैं. So वैसे भी होते हैं, but थोड़ा सा industry में अच्छे real friends होना, it's I think little difficult, especially girls. Yeah. Girls. Yeah, especially girls. I'm sure you must be knowing. Yeah, but you know, well, there's a difference between, I have seen this in an Indian woman, ke, lekin Saudi Arabia mein, you know, hum log abhi itna zyada badlao hai, to sab auraton ne ek dusre ki madad karna shuru kar di hai. Hum log ek dusre ki madad karke ek dusre ko aage badhate hain. Even office places mein bhi na. Wow, that's nice. When I was in Saudi Gazette, मैं आदमियों के साथ ही बैठ के काम करती थी, you know, तो मैं दूसरी लड़कियों को बोलती थी ऊपर आ जाओ, you know, तो सिर्फ लेडी हो तो क्यों नीचे बैठी हो, तुम्हारे पास भी डिग्रीज है एंड यू कैन बी अ बॉस. तो इट्स सपोर्ट, लाइक यू नो, तो सऊदी वुमेन अब तक तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, बट द वुमेन नेचर इज वेरी डिफिकल्ट नेचर. वो दो तीन महीने के बाद फिर जो है ना, तो वी यू नो हमें अपने आप को कंट्रोल करते रहना चाहिए, अपने आप को ठीक करते रहना चाहिए. नो दैट इज बैड. और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, तो हम ज्यादा समझदार होते जाते हैं. यंग लड़कियां थोड़ी ज्यादा लड़ती हैं, लड़ाई वड़ाई करती है, ऐसे ही है ना. जेलसी ज्यादा होता है उसमें, कॉम्पिटिटिव नेचर ज्यादा होता है, आई फील. या तो जैसे जैसे बड़े होती हैं, देयर इज समबडी सेड, ये तो हमें नोटिस भी नहीं कर रही है. आप लोग, मैं आपको नोटिस कर रही हूँ बिल्कुल, आई एम द होस्ट, लेकिन आप लोग कोई सवाल ही नहीं कर रहे. अभी देखो किसी ने जबान निकाली, किसी ने निकाली एज अ क्वेश्चन. या देयर वाज समबडी वाज सेइंग नहीं, नोटिस नहीं कर रहे. दे शुड आस्क अ क्वेश्चन. वी विल नोटिस यू, वी विल. प्रियंका भी बहुत लड़ती है. अच्छा, ये मेरे फ्रेंड्स ही है जो मस्ती कर रहे हैं. मैं लड़ती नहीं हूँ. Okay. So any questions, I think aap log poochiye, Samira mujhe poochengi.
नीचे नहीं देख रहे हो? या नहीं, मैं देख रही हूँ, आई आप मीन देख वेरी रहे आई एम हो? वेरी अच्छा स्मार्ट, ओके बट आई एम कूल, आस्किंग, यू नो दे आर क्वेश्चन जस्ट पूछो, डूइंग. कमेंट्स मत करो. हाँ या दैट इज अ थिंग. कभी कुछ ऐसा हुआ जो आपने सोचा हो कि कुछ गलती हुई हो और यू वांट इट टू बी करेक्ट नाउ, एंड देन व्हाट वाज योर, आपकी क्या पॉलिसी थी, क्या आपने उसे कैसे करेक्ट किया? So around 1.5 years back, I don't know what happened. Suddenly, I had become like a very give it back kind of attitude होता है ना, वो मेरे अंदर आ गया था. जैसे मान लीजिए आपने मुझे वन वर्ड बोला है तो आई विल गिव यू बैक लाइक फाइव, यू नो आई हैड बिकम दैट वे. सो लेकिन जब मैं वो करने लगी धीरे 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 ओवर टाइम, आई रियलाइज नो दैट वॉज नॉट राइट, यू नो, बिकॉज नाउ आई टुक अप अ प्रैक्टिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दैट्स अनदर स्टोरी. बट नाउ दैट आई डू ऑल ऑफ दैट मेडिटेशन एंड ऑल, आई थिंक आई रियली चेंज. एंड आज अगर आप मुझे वन वर्ड बोलोगे तो कभी कभी आ जाता है ऐसे बोलना, लेकिन उस टाइम पे पता नहीं क्या हो जाता है, 2 सेकंड के बाद आई जस्ट मेलो डाउन एंड आई जस्ट स्माइल बैक एंड आई जस्ट लर्न टू लेट गो, बिकॉज आई डोंट थिंक इट रियली मेक सेंस. आप अपनी हाँ एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, आप अपने कर्म खराब कर रहे हो इन अ वे, सो इट्स बेटर यू डोंट डू इट. हम अपने मिस्टेक से ही सीखते हैं, दैट इज ट्रू. यस या ट्रू, क्योंकि और जो जब मैंने याद हाँ आता है, हाँ जब नए याद नए जो आता है तब लगता है, एक्टर हाँ हाँ या जब याद आता है व्हाट तब लगता है कि हाँ, ऐसे नहीं करना चाहिए था यार, गलत हो गया. इसका इजी वे यही है कि जस्ट कॉल देम से ओ वी डिड दिस, वी शुडंट डू दैट, वी हैव करेक्टेड आवर सेल्फ. इसको कह देना चाहिए कि इस तरह से. लेकिन जब हम यंग होते हैं तो हम ऐसा करते हैं, एंड जब नए नए प्रोफेशन में आते ट्रू ट्रू हैं तो सो दिस शी इज टॉकिंग अबाउट करम मेर, आई डोंट नो अंकित, ही इज द वन हु वाज कंप्लेनिंग, ये ये तो हम नॉट देख ये भी मेरा बहुत नॉटी नहीं फ्रेंड है, इसका नाम है अंकित. अंकित शांत हो जा तू प्लीज. वीरेन ने भी बहुत कुछ लिखा बट मैं फटाफट नहीं पढ़ पाती, वो ऐसे ऊपर चले जाते हैं मैसेजेस. तो अभी थोड़ी देर के बाद काउंट डाउन स्टार्ट करेगा, यू नो 10 मिनट्स लेफ्ट, एंड बिकॉज यू नो ओ मैं जब बोलते जाती इवन आई एम हूँ टॉकेटिव, पता चले लोग बोलेंगे ये दोनों इतने बातों नहीं है, बस बोले ही जा रहे हैं बोले ही जा रहे हैं. या ऑफ कोर्स जब दो औरतें बैठी हैं तो फिर 10 घंटे भी कम है, राइट? एग्जैक्टली राइट. या टेल अस व्हाट यू वांट टू से फॉर योर फैंस इन द मिडिल ईस्ट. Well, see, whatever experience I had when I was doing the Dubai show, I traveled to the other areas also. थोड़ा सा मुझे बहुत सारे नाम नहीं याद रहते, ये drawback है, लेकिन I have loved the kind of I don't know, the kind of warmth I have got there. So आप सोचिए इतने लंबे टाइम तक मैं वहां थी, मुझे कभी ऐसे नहीं लगता था कि मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ. एंड जब मैं उस साइड के एरियाज में आई थी तभी भी मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती थी. सो आई वुड जस्ट लाइक टू टेल देम दैट आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू ऑल, आई लव यू ऑल एंड आई वुड लव टू कम बैक वहां और जस्ट हैव अ गुड टाइम. एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया कैसा होगा, किस तरह से रहते होंगे सब? बहुत कल्चर्ड एंड वेल मैनर्ड, इन सिंपली पुट आई डोंट नो, यू वुड टेल मी बेटर. सो यहाँ पर लेडीज की बहुत रिस्पेक्ट तहजीब, है. या हम लोग अगर कहीं जाते हैं, कोई लाइन लगाए भी आदमियों ने, तो वो सारी जगह छोड़ देंगे, पहले औरतों को चांस देंगे. वाह दैट्स सो दिस इज अमेजिंग सन. राइट. और बाकी जो इश्यूज हैं, वी आर सॉर्टिंग इट आउट, वी आल्सो It वांट टू takes ग्रो. time sometimes, yeah. डिस्क्राइब इन वन वर्ड अबाउट व्हाट इज रियांका चंदा, हु इज रियांका चंदा? One word? या बहुत टफ कर दिया आपने मेरे लिए. ओके, One थ्री word. वर्ड्स, थ्री वर्ड्स. हाँ 3 words में मैं कर दूंगी. Affectionate. बताइए खुद की तारीफ करना हो रहा है बट है. अफेक्शनेट,
caring could be a part of it. So yeah, caring. Nature lover. Nature lover. And your friend is saying naughty. He wrote. बुरी वाली नहीं बतानी थी, अच्छी वाली बता रही है. Naughty somebody. Naughty somebody you promised. I said, Priyanka has promised something. I don't know what you promised to them. मेरे वो उन्हीं के कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे बाकी किसी के कमेंट्स नहीं दिखा रहे, बार बार वही नेम्स पॉप अप हो रहे हैं. Yeah. What do you think about the education? Like, you know, बहुत सारी एक्ट्रेसेस होती हैं, उनको एजुकेशन अपनी छोड़ देनी पड़ती है because of this. So what do you think about it? मुझे लगता है कि जो लोग स्कूल से ही इस इंडस्ट्री में आते हैं उन्हें भी अगर मान लीजिए आगे काम मिलते रहता है. बहुत सारी एक्ट्रेसेस है जो जिनके पेरेंट्स उनका काम उनकी स्कूलिंग ये कर देते हैं, स्टॉप करा देते हैं. बट आई डोंट थिंक दैट शुड बी द केस. अगर एटलीस्ट करस्पॉन्डेंस कोर्स कराइए, बिकॉज इवन आई हैव डन माय एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने आफ्टर कमिंग किया था. बट यू शुड हैव एजुकेशन बिकॉज इट रियली मेक्स अ डिफरेंस ऑन द वे यू थिंक, द काइंड ऑफ पर्सन यू गोइंग टू बी, द वे यू विल स्पीक टू अदर्स. सो एजुकेशन मेक्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. So it's very important. Yeah. And अब तो education लेना बहुत आसान है because online. मैंने बहुत सारी degree holders देखे हैं. They don't know anything. जो जिस चीज़ की उन्होंने degree ली होती है. हाँ. And हमारे पास तो media में ऐसे बहुत सारे लोग थे. And बहुत सारे लोग, you know, without degree they are so much qualified. Even in citizen journalism you see कि वो किसी degree holder journalist से ज़्यादा better होते हैं. Right. So it's now very easy, you know, to educate yourself. Things become so easier. Yeah. Coronavirus ke hawale se, with this, aap kya kahengi? What you will say to India and also to others, your Middle East fans? I think it's been said repeatedly. It would be a very small thing to say that please stay at home. बिकॉज काफी सारी जगह है जहाँ पे लोग बहुत अच्छी तरह से मान रहे हैं, लेकिन आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द वे आर पीपल आर बिहेविंग. जस्ट मुझे लगता है कि बिकॉज हमारे यहाँ लीनियंसी है तो लोग उसे बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं. जैसे बिना कोई रीजन भी लोग बाहर निकल जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता क्यों, यू नो. तो वो सारी चीजें अगर हम अवॉइड करें, और जो न्यूज हम देख रहे हैं that's very heartbreaking. अगर आप देखे सिविल को मारा जा रहा है, आए दिन न्यूज आ रही है, तो मुझे ऐसे लग रहा है वो बेचारे अपने घर पर है. द कॉप्स आर लूजिंग द लाइफ फॉर अस बिकॉज वो हमारे लिए बाहर खड़े थे. बहुत सारे लोगों की जान गई है. आई डोंट, उनके भी बच्चे हैं, उनके घर पर उनकी वाइज है. सो थोड़ा सा हम अगर कंसिडरेट हो जाए उनके तरफ एंड बी गुड. Try to be at home for some days and हमारी सरकार please कुछ कीजिए because I really need. Bollywood will be the same after Corona like before. Cinema will be the same now. How चीजों को how we will they will manage it in the future? See, because even after the lockdown ends. Things are not going to be the same again because cinemas, malls and everything is are not going to open up very quickly. I believe at least for 6 months, everything is going to be shut. So, बहुत ज़्यादा जो of course जो movies already shoot हो गई है वो definitely वो complete करेंगे. लेकिन नए projects pick करते हुए कई लोग शायद सोचेंगे because अब मुझे लगता है कि Bollywood कम होगा और more of content shooting zyada hogi. That's what I feel. I don't know. Looking online or web series wagera zyada hongi. Yeah. Hamari ab cinema hamari ab cinema start hua aur hum ab ye ho gaya, you know. I am cinema hamare paas naya tha and you know hame to real jo feel hua hai na to okay, you know hamare show ka naam hai Smile. So we want to see your smile, you know. I'm already smiling. Yeah. It gets me conscious. अच्छा तीन तरीके से स्माइल करके दिखाए.
smiling and then smiling and then laughing. Yeah. One. Okay. Third kaise hoga? So like laugh. Yeah, being laugh so many times. Yeah. Birin likh raha hai niche. आप देख वो लो. टाइमिंग लिख रहा है वो मुझे मुझे वो जो काउंटडाउन दे ओके सर थैंक यू यू नो काउंटडाउन स्टार्टर स्माइल स्माइल बगैर दांतों के भी स्माइल होती है नहीं क्या बगैर दांतों के भी स्माइल होती है बट यू नो लिपस्टिक खराब हो जाती है ब्रेन हंसता होगा बगैर दांतों के ऐसे वाला समझ गई हां सो थैंक यू सो मच रियांका जिंदा इट्स रियली रियली नाइस टॉकिंग विद यू आप बहुत अच्छा है आपके जो एम्बिशंस हैं और यू नो यू आर वेरी हार्ड वर्किंग आई हैव सीन योर वर्क वेरी टैलेंटेड एंड यू डिजर्व द बेस्ट डेफिनेटली एंड लेट अस नो इफ यू वांट टू से एनीथिंग टू अस यस इट्स बीन लवली स्पीकिंग टू यू आई डोंट आई वी हैव नेवर इंटरेक्टेड बट इट नेवर इट डिडंट फील लाइक वी हैव नॉट स्पोकन एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर शो And I had a great time. So, yeah, baat karte rahenge hamesha. Thank you. Thank you so much. Thank you, Rianika. Stay connected. Yeah. You too. Take care. Bye, everyone. Bye. जी दोस्तों कैसा लगा आपको रियांका चंदा से मिलके उनसे बात करके अच्छा लगा ना एम्बिशियस लोगों को सुनते रहना चाहिए देखते रहना चाहिए क्योंकि उससे आपको भी इंस्पिरेशन मिलती है हौसला आता है यू नो तो जनाब अब मैं चलना चाहूँगी आपसे इस शो में BJM एंटरटेनमेंट के बिरेन बिगाड़िया मयूर गुप्ता और समीरा अजीज एंटरटेनमेंट के साद अब्दुल लतीफ ये हमारा साथ देते हैं हर रोज आपके लिए इस शो के लिए बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें लाते हैं जनाब तो आपने क्या करना चाहिए आपका भी तो कुछ बनता है ना फ़र्ज तो फ़र्ज ये है कि आपने करना है लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल बटन वो भी करना है सब कुछ करना है जनाब तो चलिए जल्दी से करिए और फिर वापस आइए तो तब तक के लिए आपको हमारी तरफ से मा सलामा बाय बाय